हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी कुकिंग विद श्वेता एंड चारू। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज लॉलीपॉप। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज और हरी मिर्च लिए, इसको हमने चॉप कर लिए, शिमला मिर्च लिए, उबले हुए आलू लिए, गाजर लिए, कॉर्न लिए और धनिया पुदीना है ये। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स लिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिए, कॉर्न स्टार्च लिए और मसालों में हमने नमक लिया, हींग लिया, धनिया पाउडर लिया, चिली फ्लेक्स लिए और ऑरिगेनो लिए। सो बनाना शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने कढ़ाई रख लिया गैस पे। सबसे पहले हम इसमें ये तेल डालेंगे थोड़ा सा। इसमें हम हींग डालेंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। इससे हम बाकी सब्जियां भी ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च, गाजर और कॉर्न भी। हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता। इसमें हम धनिया और पुदीना जो हमने इकट्ठा काट के रखा है इसको भी डाल देंगे। ताकि इसका सारी सब्जियों का पानी जो है वो अच्छे से सूख जाए। और ये जो मसाले हैं इनको भी ऐड कर देंगे। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे। बस गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करेंगे इसको और आलू में मिक्स करेंगे। तो ये मसाला हमारा ठंडा हो गया, आलू हमने मैश कर लिए, अब इनको मिक्स कर देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स तकरीबन तीन चम्मच हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं इसमें। अब हम इनकी बॉल्स बना लेंगे। जब तक हम इसकी स्लरी बना लेते हैं, ये जो इसका हमने कॉर्न स्टार्च लिया था इसमें हम नमक डालेंगे ज़रा सा और पानी के साथ इसको घोल लेंगे। ना पतला करेंगे बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम इसको हम घोल लेंगे। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो लॉलीपॉप के लिए हम कोई आइसक्रीम स्टिक्स वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आलू को यूज़ कर रहे हैं। इसको हमने लंबा लंबा काट लिया है। सो इसको हम लेंगे मसाले को। तो इसको आलू के ऊपर हम अच्छे से चिपका देंगे। इसको हम एज इट इज खा भी सकते हैं, आलू को भी खा लेंगे बीच में और साथ में ये टेस्टी भी लगता है और साथ में अच्छा भी है। ये देखिए ये इस तरह से रेडी हो गया। एक और करके दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो
ये देखिए ये जैसे बना हुआ है ये हमारा, आप इस पे जो आलू है उसके ऊपर भी आप अच्छे से लगा सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत स्वाद लगेगा। ऐसे ही इसको हम एक और कुकर लेते हैं, हमने ब्रेड क्रम्स जो है ये फ्रेश ब्रेड के ही बनाए हैं। तो अभी हम इसको 15 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रख के उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इसको हम तब तक छेड़ेंगे नहीं जब तक ये थोड़ा सा पक नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है तो टूटने का डर होता है, इसलिए इसको एक बार ही पक जाए फिर उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो इनकी साइड चेंज कर लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स ये बन गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। अब देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स वेज लॉलीपॉप बिल्कुल रेडी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा बना है। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।